आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। भारत माता के कोख में जन्म लेने का जो उत्तरदायित्व है, वो उत्तरदायित्व का बोध हमें सामाजिक प्राणी के नाते प्रतिबिंब करता है, और इसलिए हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर क्यों है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता क्यों है? हम राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए है कि इस देश की व्यवस्था का निर्माण हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर, इसी से हमारे पीयर खड़े जनता के माध्यम से, जनता के लिए जनता को चुन करके हम व्यवस्था खड़ा करते, यानी हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सहचर व्यवस्था, सहयोगी व्यवस्था है। और आज के अखबार में आपने देखा होगा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकार व्यवस्था, सहचर व्यवस्था, समानुपातिक व्यवस्था, समतुल्य व्यवस्था, समस्त जनों की व्यवस्था, यानी हमारा जो ये राष्ट्र है जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरल कंट्री कहते हैं, वो फेडरल कंट्री का मतलब यह है कि हम कई प्रदेशों के नाते व्यवस्थित ढंग से इस देश का अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए स्वतंत्र ढंग से सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ जो हमारी परंपराओं में सम्मिलित है उसका अनुसरण करते हुए व्यवस्थित ढंग से आगे, और इसलिए यह समय, यह जो आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमने गणतांत्रिक व्यवस्था का, फेडरल सिस्टम का बहुत चर्चा किया है, लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें जो तालमेल होना चाहिए, और उसमें जो एक स्वाद का सृजन होना चाहिए, उस पर हम ज्यादा जोर पिछले वर्षों में आजादी के बाद, आजादी मिलने के बाद जाने अनजाने हम उतना बल दे करके स्थापित नहीं कर सकते। देश 131 करोड़ का देश है, 131 करोड़ जनता, यानी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट, दुनिया का ऐसा देश जहां सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है, पहला चाइना है, दूसरा भारत। इतनी बड़ी संख्या को हम व्यवस्थित ढंग से जिस दिन अच्छे ढंग से खड़ा कर पाए, सहकार के भावना से, कोऑपरेटिव की व्यवस्था से, एक दूसरे के सम्मान के दृष्टि से भाव पैदा करके इस फेडरल व्यवस्था को, गणतांत्रिक व्यवस्था को खड़ा कर दे, तो हम उस दिन भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र से बढ़कर देश दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनकर के उभर करके हमारे सामने। जाने अनजाने फेडरल की बातें दो स्तर पर
बनी होती है, एक राज्य की व्यवस्था, एक केंद्र की व्यवस्था। मित्रों, आज के इस प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम को इसलिए भी बहुत आवश्यक मैं मानता हूं, हमारे अभिभावक ने अभी हम सबको मार्गदर्शन कई बातें प्रमुख कर उसी को जोड़ते हुए हम कर एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारी फेडरल सिस्टम की और कड़ी है। वो कड़ी क्या है? वो कड़ी ये है कि उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र और राज्य का रिलेशन है, उसी तरीके से राज्य का जिला के साथ रिलेशन, जिसमें पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, नगर परिषद सबको मिलाकर, जाने अनजाने हम उस पर भी जोर नहीं दे पाए अभी भी इस सरकार में। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसे दिवस पर आलोचना करूं, लेकिन जो सत्य है उसकी चर्चा भी करना बहुत आवश्यक। आप सबको मालूम होगा तत्कालीन समय में जब मुख्यमंत्री था तो मैंने पंचायत, जिला परिषद सबको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व्यवस्था के साथ खड़ी हो जाए और उसका कामकाज शुरू हो जाए, धीरे धीरे ठीक होता है, 30 वर्षों के बाद प्रारंभ हो। लेकिन आज आप देखिए, आज फिर व्यवस्था डिफंक्ट के तरफ जा रहा है। चुनाव का समय पार हो गया, राज्य सरकार को इतनी चिंता नहीं है कि ये संवैधानिक संस्था समय पर खड़ा होकर के आगे बढ़ने का फैसला जनता अपने हाथों में ले, उसका अधिकार उसके पास हो, इस पर कोई काम नहीं हो। अभी एक दिन एक मुखिया ने मुझे कहा और कुछ जुड़े हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि अधिकार के नाते कुछ बातें कही गई है कि 6 महीना के लिए एक्सटेंशन किया, ऐसा है? अब 6 महीना के लिए क्या एक्सटेंशन किया? अब बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे पता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन एक मुखिया ने बताया, कई जगहों में पीडीओ लोगों ने पदाधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस का झंडा फहराने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। ये बात सही है कि गलत है? मुझे नहीं पता, क्या बात है बताइए, आप बताइए, आप किस तरह का अधिकार दिए, कौन सा अधिकार की बात आप कर रहे हैं? ये या तो आपको समय पर चुनाव का ठीक है वो नहीं होते तो कोई और होते, लेकिन होते आपको समय पर कराना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ। अब जब आप कह रहे हैं कि 6 महीना के लिए एक्सटेंशन किया है, तो एक्सटेंशन का मतलब है कि जब तक चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बाद नहीं आते हैं तब तक उनका अधिकार यथावत बना रहा है क्या? तो उनको झंडा फहराने के लिए आप कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन क्यों मना? ये फेडरल का ये जो सहकार व्यवस्था है उस पर हमला हुआ। इन सारे चीजों को समझ करके व्यवस्थित से कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पॉलिसी लेवल डिस्कशन में, नीति आयोग जो हम देश के नीतियों को बनाते हैं जिससे पूरे देश की व्यवस्था बनती है, उस पर हमें ऐसा लग सकता है कि वो देश के लिए कहा, विभिन्न राज्यों के लिए कहा, लेकिन वो हमारे गांव और हमारे गांव की व्यवस्था के लिए कहा। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा कि जिसे हम अपने सैद्धांतिक वैचारिक तरीके से कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो गांव में है वही देश में है। हर व्यक्ति, हर परिवार
अपना परिचय मैं भी भारत करके देता है और गर्व के साथ बोलता है कि मैं भारत का रहने वाला, भारत का नागरिक, ये हमारा भारत। उसकी जो व्यवस्था है उसको तोड़ने का जो प्रयत्न है ये कहीं ना कहीं कमजोर करता है। और इसलिए दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कार्यकर्ता मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में इसके साथ साथ मां देवी सबको सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए, सबको उन्नति का मार्ग दिखाए, सबके परिवार को खुशहाली हो। इसके साथ साथ ही कुछ बातें हम यहां से लेकर के जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि हम सब बातें करें। 30 वर्षों के बाद में पंचायत चुनाव हुआ, 30 वर्षों के बाद जिला परिषद का चुनाव हुआ, नगर परिषद का चुनाव हुआ, तो इस संस्था को ना टूटने देंगे ना गिरने देंगे, बल्कि इस व्यवस्था को बना करके जो गांव का, यदि इस क्षेत्र का बात करें तो गांव की जो ट्रेडिशनल जो मौलिक व्यवस्था है, परंपरागत व्यवस्था है, उसका जीवंत स्वरूप इसके साथ मिला था। हम एक नई भारत करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहूंगा, जो हमारे मुखिया है वो फिर से मुखिया बने, और जहां मुखिया नहीं है वहां अपना मुखिया बनाने का संकल्प लीजिए, अपना जिला परिषद बनाने का संकल्प लीजिए, अपना पंचायत समिति बनाने का संकल्प। और देवड़ी मां की प्रार्थना करने के बाद यही कि हमें अपने गांव को सशक्त बनाना, हमें अपने परिवार को सशक्त बनाना, हमें अपने क्षेत्र को सशक्त बनाना, अपने समाज को सशक्त। हम जहां पर हैं उस स्थान को अगर सशक्त बनाएंगे तो यह देश सशक्त होगा। तो यह जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ता थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। हम सब ध्यान रख रहे हैं लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि आप पॉलिटिकल लीडर हैं। लीडर जब लीडर का मतलब है अग्रिम पंक्ति में चलने वाले, चाहे वो लड़ाई के मैदान में हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आगे चलने वाला वर्कर अपने अपने स्थानों पर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप समाज के अंदर काम करने वाला, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, उसका सही तरीके से गांव के लोगों को लाभ मिले, इसका एक कड़ी है। इस कड़ी को आप बना करके सशक्त कैसे बनाए इसकी चिंता जरूर करें। और मैं ये मानता हूं कि आज इस 3 क्षेत्र, इसको 4 मान करके चलिए, जिला के नाते नहीं, विधानसभा के नाते, सरायकेला के, सरायकेला के, खरसवा के, खूंटी के, तमाड़ के कार्यकर्ता, सभा के सभापति जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के हम सब लोगों के नेता और लोकसभा में रहे पूर्व के उपाध्यक्ष, भारत सरकार में रहे मंत्री और फोटी से रहे पूर्व विधायक आदरणीय दादा श्री करिया मुंडा जी, और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और आपके इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद और राज्य के रहे मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, और तमाम पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथ लोग, आप सब ने काफी समय से और बातों का आप सब लोग सुन रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लगता है, जहां पर आदरणीय करिया मुंडा जी उपस्थित हो,
फिर भारत सरकार के मंत्री यहाँ उपस्थित हो तो मुझे नहीं लगता कोई विषय हमारे लिए छोड़ गया होगा। और इसलिए मैं हम सब लोगों को बहुत तंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, हमें आने में विलंब हुई। मैं इतना ही कहूंगा कि आप तो 13.5 महीना झारखंड में सरकार को बने हुए होंगे, 13.5 महीनों तक तो सरकारें रोते रही कोरोना काल में भी कि हमारे पास पैसा नहीं है, और भारत सरकार के ऊपर कोसते रहे। और जैसे अभी आपको बताया कि भारत सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद हैं कि किस प्रकार से देश की जो आज मोदी जी है प्रधानमंत्री है, पूरे देश के विकास के लिए दिन रात चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो पैसे है वो भी सरकार खर्च नहीं करती है। झारखंड के कई जिला जहाँ पर खनिज बहुल है, हमारी जानकारी में उन सारे जिलों में लगभग 3,000 करोड़ रुपया तो जिला के डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फंड है उसमें जमा पड़ा हुआ है। खर्च करने के बदले सरकार ने उसको क्या किया है कि जिला के अधिकारियों को ही चिट्ठी लिखा है कि आप इस पैसे को भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि आज यहाँ बैठे हुए सरकार उनको राजनीति करनी है, सिर्फ दोषारोप करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि आज जो ये सरकार है यहाँ की लोगों की वो चिंता नहीं करती, विकास की चिंता नहीं करते, यहाँ काम हो, ये सिर्फ ये राजनीति करते। और आज आप देखिए कि 13.5 महीनों में कोरोना का भी काल रहा, लेकिन इस राज्य के अंदर में इन 13.5 महीनों में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ा है, कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हुई है, चोरी डकैती हत्या अपहरण और सबसे अधिक तो महिलाओं के साथ बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, और उसमें भी सबसे अधिक संख्या आदिवासी भाई बहनों के साथ हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ तो दुष्कर्म करके हत्या भी कर दी गई। और जब आवाज उठाते हैं तो फिर उन लोगों को ही परेशान करने की, जेल में डालने की ये सरकार कोशिश करती है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि यहां तो संसाधनों की कमी नहीं है। जब अलग झारखंड राज्य नहीं बना था, उस समय की झारखंड को अगर याद करेंगे तो उस समय तो थाना में मोटरसाइकिल हुआ करता था, आज तो गाड़ी भी है थाना में। उस समय तो पूरे प्रदेश में 25,000 की संख्या में पुलिस बल थे, आज तो 80-85,000 की संख्या में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज संसाधनों की कमी नहीं उस विभाग में, और ये विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन तब भी इस राज्य में अपराध बे लगाम। अब तो आए दिन व्यवसायों से भी रोज एक्सटॉर्शन हो रहा है, टेलीफोन पर फेसबुक पर पैसे मांगे जा रहे। हमें तो यहां तक लोगों ने बताया कि जिन लोगों से धमकी दे करके पैसा मांगा गया और वो व्यक्ति गया एसपी के पास खबर करने को, तो उन्होंने कहा कि आप ले दे करके मामला को सख्त करो। आप सोच सकते हो कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही इस प्रकार से अपराध को बढ़ावा देंगे तो राज्य में कैसे अमन चैन होगा। आज पूरे प्रदेश में भय का माहौल, और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि मानो इस राज्य में जो सरकार बैठी हुई है तो अपराधियों को शायद ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं गांव में कि सैया भेल कोतवाल तो डर का है, और यही स्थिति पूरे प्रदेश में हो गई है। दूसरा जो मामला है वो करप्शन का, भ्रष्टाचार का। मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं, लेकिन आज जो सामान्य काम लोगों के पास है, जहां लोगों को जरूरतें पड़ती है, चाहे वो छोटी छोटी आय अवश्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यहां तक कि लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पैसा देना पड़ता है, बिना पैसा से आज काम नहीं होता है। आज हालत यह है कि रांची में एक दिन वहां लड़के लोग आकर के हमें बता रहे थे कि अगर आज आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, जल्दी आपको प्राप्त करना है, तो फिर आपको 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी बनेगी। यानी आप सोच सकते हो करप्शन किस प्रकार से किस लेवल तक पहुंच गया है। आज लगता है कि मानो ये सरकारी दफ्तर और वहां के जो बैठे हुए बाबू है, लगता है सरकार ने उन लोगों को सिर्फ उगाही में लगा रखे, और आज इसलिए इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिन लोगों की सरकार है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, ये परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं, पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं,
और इस सरकार अगर इस राज्य की विकास करना तो एक वर्षों तक तो कोरोना में और सरकार को काम करने की हम लोगों ने मौका दी, लेकिन अब लगता है कि सरकार को सीधा करने के लिए जन दबाव बनानी पड़ेगी, ताकि उसके लिए आप पार्टी को आंदोलन के लिए अब हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। तभी यह सरकार इस राज्य के विकास की काम करेगी, तभी यह सरकार राज्य में अमन चैन होगी, तभी इस राज्य के अंदर में करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम सब लोगों को, आप जहां कहीं भी सरकार अगर जनता की आवाज को नहीं सुनती है तो फिर हम सब लोगों का आंदोलन की रास्ता को अख्तियार करना पड़ेगा, सरकार को ये मजबूर करना पड़ेगा काम करने के लिए। यही मैं निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।